तो जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, किस तरह दानिश रात रात अमीर हो गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तरह आपने डैम में देखा होगा कि शेवार अहमद की कंपनी नुकसान में जा रही थी, लेकिन दानिश ने उसके शेयर खरीद लिए। और उस दानिश को जो लोग कारोबार करते हैं उनको पता होता है इस तरह समझने, तो दानिश ने उसके शेयर खरीद लिए। जैसे ही शेवार अहमद की कंपनी बाद में वो तरक्की कर लेती है तो इस तरह से प्रॉफिट बहुत आ जाता है, दानिश रात और रात अमीर हो जाता है। तो उसके बाद वो फिर दोबारा ऐसे ही कारोबार करता है। वो आप शुरुआत में देखें तो दानिश ने अपना घर बेचकर वो शेयर खरीदे हैं, तो इसी तरह से उसने तरक्की कर ली है। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपनी शेयर रखती हैं ताकि वो आम आदमी भी खरीद सकता है, जो भी है कारोबारी लोग वो खरीदते हैं शेयर। वो एक साल बाद या दो साल बाद वो महंगे हो जाते हैं तो वो शेयर कंपनी वापस ले लेते हैं और उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है जो भी ये शेयर खरीदता है। तो अगर आपने एक साल पहले अपने शेयर लेके रखे हैं तो आप जब अगर कंपनी को फ़ायदा हुआ तो आप बेचेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर कंपनी नुकसान में चली गई और आप शेयर बेचें जो भी करें आपको, वो आपको नुकसान होगा। तो अगर आपने किसी दूसरे ममालिक की करेंसी लेके रखी है डॉलर, हम यूनाइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं, अगर हमने उनके $100,000 लेके रखे हैं और उनके डॉलर की कीमत है ₹100, अगर वो 5 दिन बाद या 1 month बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद उनकी $1 की कीमत हो गई ₹150, तो हम अगर उनको बेचें अपने डॉलर $100,000 को तो वो हमें प्रॉफिट होगा, $150 के डॉलर जो हैं वो बिकेंगे। तो हमने लिए थे एक करोड़ के, तो हमें प्रॉफिट हुआ ₹50,00,000। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्रॉफिट कितना हो चुका है, 50,00,000। इस तरह लोग बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर जो है वो 50% पे दे देते हैं ताकि जो शेयर खरीदता है वो कंपनी का 1% 2% मालिक बन जाता है, इस तरह से होता है। तो उनको जब पैसों की ज़रूरत होती है, उनका कारोबार नहीं चल रहा होता तो वो अपने शेयर बेचते हैं ताकि लोग खरीदें और उनको हेल्प हो। वो बैंक से कर्जा इसलिए नहीं लेते कि वहाँ पर उनको टैक्स या कुछ भी जो है चार्ज या जो भी ज़्यादा लगते हैं, तो इस तरह से वो अपने शेयर बेच देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी ना हो और शेयर लोग खरीदें और उनको प्रॉफिट हो जाए, उनका काम स्टार्ट हो जाए। अगर वो कंपनी शेयर बेचकर भी नुकसान में चली जाती है, जो लोग शेयर खरीदते हैं वो उनको भी नुकसान होता है। अगर वो कंपनी शेयर खरीद कर बहुत तरक्की करती है तो जो लोग शेयर उनके खरीदे हुए हैं वो बहुत ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस तरह से आप भी अपने कारोबार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। किसी किस्म के क्वेश्चन के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।